सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं 2.1 का होम थिएटर बॉक्स। यह होम थिएटर बॉक्स मैं MDF बोर्ड से बनाने वाला हूँ। यह MDF बोर्ड आपको प्लाईवुड के शॉप में मिल जाएगा और नहीं तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। सो चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट होते ही मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं इस बॉक्स को जुगाड़ू तरीके से बनाऊंगा। जैसे कि ड्रिल करना हो तो ड्रिल करने के लिए मैं एक मोटर का यूज़ करूंगा और ड्रिल बिट का यूज़ करूंगा। ये बहुत ही बढ़िया ड्रिल हो जाता है। और मान लीजिए सैंड पेपर से रगड़ने के लिए भी मैं मोटर का ही यूज़ करूँगा। यह बहुत ही जुगाड़ू तरीके से मैं इस बॉक्स को बनाया हूँ। आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा और आप लोग भी बहुत ही जुगाड़ू तरीके से बना सकते हैं अपने घर पे कम कॉस्ट में ही। सो गाइज, चलिए अब मैं बताता हूँ नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट मैं इस डायमेंशन का हर एक साइड का दो दो पीस MDF बोर्ड कट कर लिया। इसमें दो दो पीस इसलिए क्योंकि यह 6mm का MDF बोर्ड है। आप इससे मोटा भी ले सकते हो, लेकिन मेरे पास मोटा नहीं था तो इसीलिए मैंने हर एक साइड का दो दो पीस काटा हुआ है। फिर उन दोनों पीस को एक साथ में चिपका करके इसको बनाऊंगा। तब यह काफ़ी मोटा हो जाएगा और भारी भी हो जाएगा और साउंड जो बेस का क्वालिटी है वह भी बहुत बढ़िया आएगा। तो ये है राइट साइड का पट्टी और ये है बेस साइड का, जो कि बेस निचला वाला पार्ट रहेगा। नीचे के पार्ट में ही हम सब MDF बोर्ड के उसके ऊपर में चिपकाएंगे। और ये रहा हमारा अपर साइड का दो पीस MDF बोर्ड जो कि डायमेंशन दिया हुआ था। और ये है हमारा फ्रंट साइड का दो पीस MDF बोर्ड और ये बैक साइड का दो MDF बोर्ड है। और ये रहे सारे के सारे टोटल MDF बोर्ड्स जो हम लोगों ने कट किया हुआ है। नेक्स्ट अब मैंने जितने भी दो दो पटिया था उन दोनों को एक साथ चिपका लिया हुआ था। इसको चिपकाने के लिए मैं यहाँ पर हीटेक्स का यूज़ कर रहा हूँ, या फेविकॉल का भी आता है और या एशियन पेंट्स का भी आता है। तो मैं यहाँ पर फेविकॉल का हीटेक्स का यूज़ कर रहा हूँ और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी हीटेक्स का ही यूज़ करो MDF बोर्ड को चिपकाने के लिए। यह बहुत ही बढ़िया होता है चिपकाने के लिए। गाइज, स्पीकर के साइड को छोड़ करके मैं सभी साइड को चिपका दे रहा हूँ। स्पीकर साइड को इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि स्पीकर को मैं थोड़ा अलग टाइप का कट करके उसमें बैठाऊंगा, जो कि आप लोग नेक्स्ट में देखेंगे। इस तरह से कुछ इसमें बैठा लेने के बाद देखिए इसका मोटाई किस तरह से बढ़ जा रहा है और यह होम थिएटर के लिए बेस्ट हो जाता है। गाइज, यहाँ पर मैं दूसरे मोटर में भी सैंड पेपर को भी चिपकाने वाला हूँ क्योंकि काम जल्दी भागता इसलिए। और इसको चिपकाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्लैक्स क्विक या फेविक्विक ही जैसा होता है। गाइज, यहाँ पर हमने जो दो पट्टी जोड़ा हुआ था हरे का, उन दोनों पट्टी को इक्वल कर दिया सैंड पेपर से रगड़ करके। कुछ इस तरह से रगड़ रहा हूँ। यह जो पेन का लीड है यह बहुत ही बढ़िया काम करता है, आप भी यूज़ कर लेना। एक ही बैटरी इतना देर तक बैकअप दिया।
गाइज ये है हमारा कुछ MDF बोर्ड जो कि सभी के पार्ट्स को मैं काट लिया हूँ। ये है बैक साइड का और आपने देखा होगा कि कितना मेहनत से हमने इसको जुगाड़ू तरीके से काटा, इसके सरफेस को रफ किया और एकदम साइज में परफेक्ट लाया। कुछ इस तरह से ये है बैक साइड का और इसमें हम डायरेक्ट इसमें इंसर्ट करेंगे और इसके साइड में 6 स्क्रूज लगाएंगे जो कि स्क्रूज है हमारा। ये स्क्रूज मुझे बहुत पसंद आया, आप लोगों को भी पसंद आ सकता है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि यह स्क्रूज कैसा लगा आप लोगों को। यह बहुत ही अच्छा लग रहा था और इसका रेट भी थोड़ा हाई है। तो ये बैक साइड का हो गया और ये है हमारा MDF बोर्ड फ्रंट साइड का। इसमें फ्रंट साइड में मैं केवल इसमें होल किया हूँ ब्लूटूथ पैनल लगाने के लिए जो कि इसमें परफेक्ट बैठ जा रहा है। इसमें ब्लूटूथ पैनल का ही यूज़ करूँगा मैं, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। इसमें 2 स्क्रूज लग जाएंगे और यहाँ पर एक वॉल्यूम के लिए और एक बेस के लिए लगा दूंगा जो कि अभी ड्रिल नहीं किया हूँ, ड्रिल करूंगा। और यहाँ पे एक होल दूंगा जिसमें से ऑक्सीजन जो है हवा बाहर आ सकती है और अंदर जा सकती है जब बेस देगा स्पीकर तब। तो ये हो गया हमारा फ्रंट साइड का। उसके बाद ये है बेस जो कि नीचे साइड में रहेगा, इसके ऊपर में हम देंगे इसके स्पीकर वाले साइड को और साइड के MDF बोर्ड को। तो कुछ इस तरह से ये है, सबका साइज मेंशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दिखाता हूँ अभी इसको दिखाने के बाद। और ये है अपर साइड का। अपर साइड का हम लोगों ने सिंगल ही लिया हूँ मैं क्योंकि अपर साइड में उतना कोई वार वार पड़ेगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये है स्पीकर साइड का, साइड वाला जो है यह स्पीकर साइड का। और इसमें देखिए इसके इस साइड में मैंने कुछ इस तरह से कट किया हुआ है ताकि स्पीकर इसके अंदर साइड वाले MDF बोर्ड में बैठे। और ये जो स्पीकर है यह है, यह कुछ स्पीकर इस तरह से बैठता है और यह देख सकते हो आप, दिखने में भी बहुत ही बढ़िया है। कुछ इस तरह से बैठ जाएगा स्पीकर और इसको भी साइड में रखता हूँ। और ये है हमारा स्पीकर के दूसरे साइड वाला, कुछ इधर से ऐसे बैठेगा। तो ये हो गया हमारा MDF बोर्ड। और इसको चारों तरफ से फिक्स कर लेने के बाद हम इसमें स्प्रे करेंगे ब्लैक कलर का क्योंकि सब ऊपर ब्लैक कलर का ही थोड़ा अच्छा दिखता है। तो ये मैंने कलर स्प्रे मंगाया है ब्लैक कलर का, आप देख सकते हो। तो इसको हम करेंगे और इसका डायमेंशन कुछ यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से है। तो ये है डायमेंशंस इन सबों का। सो फ्रेंड्स, जहाँ पर हमें कील लगाना था वहाँ पर हम लोगों ने ड्रिल करके कील को लगाया, नहीं तो बिना ड्रिल किए कील को लगाने से बोर्ड जो है वो फट जा रहा था। तो आधा तक ड्रिल करके और उसके बाद थोड़ा टेढ़ा करके कील को हम लोगों ने लगाया। उसके बाद से कुछ इस तरह से हम लोगों ने इन सारे पार्ट्स को एक साथ चिपका लिया हुआ है और कुछ देर सूखने देने के बाद फिर आगे का नेक्स्ट प्रोसेस काम किया हम लोगों ने। गाइज ये सब ऊपर कुछ इस तरह से दिख रहा है और इसको हम लोगों ने यहाँ पर सूखने दिया हुआ है। थोड़ी देर बाद इसके बीच में एक हम लोग और MDF बोर्ड को लगाएंगे ताकि बेस जो है थोड़ा घूम करके और अच्छा बेस दे। और इसका फ्रंट साइड में हम लोग ये बोर्ड को लगाएंगे और कुछ इस तरह से इसका लुक दिखेगा फ्रंट साइड से।
यहाँ पर हमने सभी साइड के पार्ट को लगाने के बाद जो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा में निकल गया था बाहर, उसको सैंड पेपर से साफ कर लिया हूँ और सभी को इक्वल में कर लिया हूँ, पूरा बराबर मिला करके रगड़ दिया हूँ। तो कुछ इस तरह से इसका देखने में लग रहा है और पोटेंशियोमीटर में लगा दिया हूँ पहले ही, और पोटेंशियोमीटर का वायर्स ये है और कुछ इस तरह से दिखता है। और नेक्स्ट अब हम इसमें कलर पेंट करेंगे। इससे पहले मैं कभी इस कलर स्प्रे को यूज़ नहीं किया था, तो मुझसे थोड़ा बहुत कहीं गलती हो जाता है, कहीं गाढ़ा तो कहीं पतला स्प्रे हो जा रहा था मेरे से। सो गाइज गुड मॉर्निंग, आज तीसरी सुबह है इस सबवूफर बॉक्स को बनाने में। इसमें मैं जो स्पीकर लगाया हूँ बाहर साइड में, इसमें बेस की कमी है, बहुत कमी है, जितना मैं एक्सपेक्ट किया था उतना मुझे नहीं मिल रहा है। तो मैं इसमें क्या किया हूँ, जो बीच में एक पटरा दिया था उसमें 4 इंच का एक सबवूफर वाला जो स्पीकर होता है उसको लगाया हूँ, और इसको मैं 2.1 होम थिएटर के किट जो बनाया था, इसका वायरिंग जो बताया था आप लोगों को, उससे यूज़ करूँगा। यह स्पीकर इसका नीचे इसलिए है क्योंकि मैं उल्टा लगाना चाह रहा था, लेकिन स्पीकर इसमें इस होल में नहीं जा रहा था अंदर, इसलिए मैं इसको इधर से लगाया हूँ। और इसी में यहाँ पे मैं ट्रांसफार्मर लगाऊँगा और एम्पलीफायर बोर्ड इसमें लगा दूँगा और स्क्रू से टाइट कर दूँगा। और इधर से है कुछ ये, और इसको पार होने के लिए, हवा पार होने के लिए इसको, ये ख़राब है ब्लूटूथ पैनल, मैं ओरिजिनल वाला लगाऊंगा, नया वाला जो काम करता है। उसके बाद ऐसे मैं कल चेक कर रहा था तो इसमें आवाज़ सही से नहीं आ रही थी, ट्विटर तो आ रहा है लेकिन जो बेस है बेस बहुत ही कम आ रहा है, और जो बाद में स्पीकर लगाया उसमें से थोड़ा बेस मैनेज हो जा रहा है, लेकिन फिर भी उतना नहीं आ रहा। इसमें बेस नहीं आने का मेन रीज़न है मेरा स्पीकर, या स्पीकर बेस वाला स्पीकर नहीं है। तो आप लोग ये मत समझना कि मतलब मैं इसको बना दिया हूँ तो बेस नहीं दे रहा है या ख़राब बनाया है इन्होंने, ऐसा कोई बात नहीं है। इसमें ये लगाया बैक कवर, तो बैक के लिए इसको इधर से अलग से चिपकाऊंगा यहाँ पे पीछे साइड, और इसको ऐसे पैक कर दूंगा। सो गाइस कुछ इस तरह से ये हमारा बन जाएगा सबवूफर, और इसको मैं नेक्स्ट काम करता हूँ। और एक सोचा हूँ कि बेस जो नेक्स्ट स्पीकर जो लगाया हूँ दूसरा वाला, उसका हवा यहाँ से निकले, और क्योंकि इसमें भी जो है उतना काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक और होल। सो गाइस फाइनली हमारा सबवूफर बॉक्स बन के तैयार हो चुका है, और इसका आवाज़ बहुत ही बढ़िया है, और मैंने क्या किया कैसे क्या बनाया वो अब देखो। इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा किया कि इसमें एक और होल कर दिया, ये होल पहले से था, और ब्लूटूथ पैनल को न्यू लगा दिया हूँ, पूरा फिक्स हो गया है। और इसके अंदर में देखिए कौन सा एम्पलीफायर बोर्ड मैं यूज़ किया हुआ हूँ। सो गाइज ये ओपन हो गया और कुछ इस तरह से इसका अंदर का सर्किट हमें दिख रहा है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे देखिए गाइज, यहाँ पे ये स्पीकर लगा हुआ है और अंदर से कुछ वायर्स हैं जो कि ब्लूटूथ पैनल से कनेक्टेड है, और ये है 2.1 का होम थिएटर बोर्ड 20-30 वाला।
तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और इसमें बेस के लिए मैं एक अंदर स्पीकर आपको दिख रहा होगा वो वाला स्पीकर मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हूँ, वो केवल बेस के लिए है। और ट्वीटर के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये एक्सटर्नल वाला स्पीकर को, क्योंकि ये एक्सटर्नल स्पीकर हमारा बेस नहीं दे रहा था तो बेस के लिए उसको यूज़ किया हूँ। आप चाहे तो एक्सटर्नल स्पीकर और दो यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे यही इसी का साउंड, इसी ट्वीटर का साउंड मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है। लेकिन मैं एक्स्ट्रा इसीलिए और इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा था, तो जिस कारण से मैं एक्सटर्नल स्पीकर को नहीं खरीद के लगाया हूँ। तो ये है एंटीना का वायर जो कि मैं इसमें कनेक्ट कर दिया हूँ, और इसमें ये दोनों मैं ट्विटर के स्पीकर के लिए कनेक्ट किया हुआ था तो मुझे नहीं लगाना है, इस कारण से मैं इसमें वायरिंग नहीं किया हूँ। गाइज, इस 2.1 होम थिएटर बोर्ड 2030 IC का अगर आप वायरिंग जानना चाहते हैं कैसे करते हैं या नहीं करते, वो आप हाई के बटन में देख सकते हो क्लिक करके। मैं वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूँ। और ये है हमारा ट्रांसफार्मर, ये इसमें मैं 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर को जोड़ा हूँ बढ़िया साउंड के लिए। और कुछ इस तरह से इसको मैं साइड में चिपका दिया हूँ और यह बहुत ही बढ़िया तरीके से लग जाता है। और कुछ इस तरह से इसका लुक है गाइस। आप लोगों को कैसा लग गया होम थिएटर बॉक्स, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो गाइस चलिए अब हम इसे टेस्ट करके देख लेते हैं इस होम थिएटर बॉक्स को। सो इसका वायर को मैंने कुछ यहाँ पर इस तरह से लगाया और देखिए इसमें लाइन जो है आ चुका है। और ये रहा इसका रिमोट, इसके रिमोट से हम यूज करेंगे। अभी ये FM चल रहा है, यहाँ पे FM का बहुत ही क्लियरिटी रहता है। तो दूसरा चैनल भी लगा के दिखा देता हूँ। रोहित शर्मा को भी समझाया कि वो जीत के बाद कंगारू टीम के खिलाड़ियों से हाथ मिलाने के दौरान कैजुअल ही रहे। धोनी ने ऐसा इसलिए गाइज ये प्रोजेक्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। और ये वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना। सो गाइज आप लोग अगर ये 8x8x8 का LED क्यूब बनाना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, मैं स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग मोर वीडियोज ऑन यार गेट YouTube चैनल।